मैं मौजूद हूं इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर, जहां भारी सुरक्षा बल तैनात हैं, क्योंकि किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली सिंगू बॉर्डर आना चाहते हैं। प्रशासन ने बड़ी सुरक्षा यहां पर तैनात की है कि किसानों को ये रास्ता पार करना काफी मुश्किल भरा होगा। मगर किसान अगर हाईवे का रास्ता छोड़कर गांव के रास्ते से आते हैं तो क्या इंतजाम है? प्रशासन ने, आप देख सकते हैं कि 10 मीटर का, तकरीबन 10 मीटर का ये गड्ढा यहां पर खोदा है और पूरा काम यहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर किसान हाईवे का रास्ता छोड़कर ग्रामीण इलाकों से होते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनको ये रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तकरीबन 10 मीटर का ये गड्ढा यहाँ पर प्रशासन द्वारा खुदवाया जा रहा है ताकि कोई भी हैवी व्हीकल, यानी जो बाइकें हैं, जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, वो यहाँ से ना गुजर पाए। इसका भी इंतजाम प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रखा है और ऐसे कई इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक ही मशीनें हैं, ये लोकेटर मशीन है। पहले यहाँ पर ये किया जाता है कि यहाँ से इस मशीन के माध्यम से पता किया जाता है कि कोई यहाँ से कोई फाइबर केबल तो नहीं जा रही, कोई तार तो नहीं जा रही। जब गड्ढा खोदने से वो तार कट जाएगी और नुकसान होगा, इसलिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। इससे क्या होता है थोड़ा बताइए? इससे ऐसा फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल का डेप का पता लगता है। कोई केबल तो अंदर से नहीं जा रही? केबल अंदर से जा रही है। हाँ। पहले जा रही, उसको बचाया जा रहा ताकि कहाँ कहाँ तार है उसको बचाकर गड्ढा हो रहा है, खड्डा हो रहा है, उसको बचाकर खड्डा हो रहा है। इससे मालूम चल जा रहा है कि केबल की तार कहाँ से गुजर रही है, कितनी गहराई में है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर गड्ढा खोदा जा रहा है और पूरा तकरीबन 10 मीटर का ये गड्ढा बनाया जा रहा है ताकि जो भी व्हीकल है, जो भी वाहन है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, वो यहाँ से ना गुजर सके।